नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने ये जो कोरोना की महामारी चल रही है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, कोरोना की जब तक वैक्सीन, दवाएं, मेडिसिन मार्केट में नहीं आती तब तक हमें इस बीमारी के साथ पूरे दुनिया को जीना है और झेलना है। और भारत के वडाप्रधान और गुजरात के मुख्यमंत्री पिछले दिनों अनलॉकडाउन फर्स्ट का जो ऐलान किया, और आज 1 जून से कारोबार धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, मार्केट, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, सारी दुकानें, तो धीरे धीरे गाड़ी चलने शुरू हो जाएगी। मगर हमें ये नहीं भूलना है कि कोरोना की महामारी खत्म हो गई है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइजर करना है, किसी को छूना नहीं, और 2-3 फुट की दूरी रख के हमें बात करनी है। घर में भी हमें बच्चों को, बुजुर्ग को और फैमिली को संभालना है। हम अपने घर के अंदर देसी उपचार कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध, तुलसी के पत्ते चबाना, काढ़ा करके पीना, नींबू पानी पीना, ज़्यादा पानी पीना, और स्वस्थ रहना और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। ये बात हम सब जानते हैं और इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, आज पिछले 2.5 महीने से बच्चे घर में हैं, और छोटे बच्चे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। वो काफ़ी बार आप लोगों को पूछते होंगे, पापा मम्मी कब मेरी स्कूल चालू होगी, कब मेरी पढ़ाई होगी, मैं क्या करूं? तो उनका जो हौसला है, उनकी जो इच्छा है कि वो स्कूल नहीं जा पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो हमें ये देखना है कि बच्चों के अंदर जो विल पावर, आत्मविश्वास है, उसको कायम रखना है और उसका हौसला बढ़ाना है। और उनका एक ही जरिया है कि हमने अपने स्कूलों में श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित सभी विभाग में, सभी स्कूलों में, सभी ब्रांच में ऑनलाइन एजुकेशन मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तुरंत हमने शुरू किया था। पूरे अप्रैल में चला, मई में 15 तारीख तक चला, और बाद में 15 दिनों की छुट्टी दी गई थी। आज 1 जून से वापस हम शुरू कर रहे हैं, तो नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ अपने बच्चों को, अपने बच्चों का विल पावर और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराइए। कोई दिक्कत आती है तो स्कूल का कांटेक्ट कीजिए, और जो लोग सूरत में हैं वो कभी भी स्कूल पे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में अपनी ब्रांच में जाके अगर कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड या कोई मटेरियल के रिलेटेड कुछ जानकारी अगर लेनी है या कुछ क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल टीचर से मिल सकते हैं सोशल डिस्टेंस के साथ। और अपने घर जाके अपने बच्चों को घर में रहकर एक नया हौसला देना है, नया विल पावर, नया आत्मविश्वास डेवलप करना है। आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेगा भारत और दुनिया, तो हमारे बच्चे पीछे ना छूटे। और 2-2.5 महीने से स्कूल बंद है और आने वाले जून और जुलाई में शायद स्कूल नहीं चलेंगे, 2-2.5 महीने के बाद स्कूल शुरू होंगे, तो हमें अपने बच्चों को कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके घर बैठे उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा नॉलेज मिले, वो क्रिएटिव रहे, बच्चे बिजी रहे और नई जानकारी मिले उनको, और पढ़ाई के साथ साथ उनको नया जोश और उमंग मिले, और नए विल पावर के साथ आने वाले दिनों में जब स्कूल शुरू होंगे तो वो बच्चे स्कूल में आके अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। आज बच्चों के मन में ये है कब स्कूल चालू होगा, मेरा एजुकेशन का क्या होगा, मैं क्या करूं, वो परेशान होंगे, उनके दिमाग में कई तरीके से नए नए विचार, सोच आती होगी। तो आज ज़रूरी है मैं अपने बच्चों को, और ख़ास हम अपनी स्कूल में गजेरा विद्या भवन में हर एक डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी के साथ, क्लब एक्टिविटी के साथ हम एजुकेशनल फिटनेस और एजुकेशन और नई क्रिएटिविटी के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं पिछले कई सालों से, आप सभी जानते हैं। तो हम भी इतनी चिंता करते हैं बच्चों की जितनी आप करते होंगे, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि वो ऑनलाइन जुड़े और अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन वो प्राप्त हो, उनकी जिज्ञासा, उनको जो जानकारी चाहिए, उनको नया नॉलेज चाहिए, वो सीखे, बच्चे आगे बढ़े और खुश हो। आभार।